बैठिए। हेलो सर, आप भी बैठिए। हेलो सर, सर ये आपके हाथों में क्या हुआ है? जी सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो अच्छा अच्छा बबलू जी, आज मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा और चिल्लाऊंगा भी नहीं। अच्छी बात है सर, वैसे भी गुस्सा करके क्या मिलेगा। कल मैं ना एक पीर बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से और आसान तरीके से जिंदगी ना गुजारने का बहुत अच्छा तरीका बताया और मैंने गांठ बांध दी है। क्या? गांठ नहीं, गांठ बांध ली है। ओह अच्छा अच्छा नॉट, यही तो बात कर रहा था मैं कि अच्छा क्या लाए हो? पकोड़े लाओ, इनको भी दो, खाओ बेटा पकोड़े खाओ। तीन बंदों के लिए दो पकोड़े लेकर आए हो? अरे मैं क्या हवा खाऊं? अरे तुम्हारे स्कूल में तो मैं वैसे ही हवा खा रहा हूं। पूरे स्कूल में मुझे सिर्फ एक ही पंखा दिया हुआ है, हर एक एक क्लास में एक एसी है और वो पंखा जो दिया हुआ है वो चलता ही नहीं है। सुबह टाइम आता हूँ, डंडे से उस पंखे को खुद घुमाता हूँ तो चलता है, और कभी कभी तो अपना इलेक्ट्रिशियन मैं खुद लेकर आता हूँ। पूरे स्कूल को लगता है कि सिर्फ मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूँ। हर क्लास की टीचर का मेरे पास फोन आया हुआ था कि मेरे घर का पंखा नहीं चल रहा, मेरे घर का बल्ब नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं, अपने आप को दो थप्पड़ मारूं? आप मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे हाथ को क्या हुआ, मैं कहीं नहीं गिरा। ये इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। पूरे स्कूल के टीचरों को बोल रखा है कि बबली सर को छू और छूट की बीमारी है, छू और छूट की बीमारी है। अरे जिसके पास भी जाऊं सब कहते हैं सर आपको छुआ छूट की बीमारी है, छुआ छूट छुआ छूट छुआ छूट तेरी माँ। अरे मेरी बीवी को लगता है कि मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है और उसी के पीछे उसने हाथ काटा है, लेकिन उसको क्या पता मैं उसी को प्यार करता हूँ। इस हाथ से पिछवाड़ा धोता था, अब वो भी नहीं धुलता। पीछे हाथ करके पिछवाड़ा धोना पड़ता है, पता है किस तरह धुलता है बेटे? ये सुई देख रहा है, चुपती है नीचे। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, मैंने सब बच्चों से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है। कोई कह रहा है स्पेनिश लीग, कोई कह रहा है यूरो लीग, ये पता क्या कह रहा है बुंडा लीगा। अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा जी तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन कौन सा है? ये फिर से खड़ा हो गया, ये कहने लग गया जी सर बुंडेसलीगा, सिर्फ बुंडेसलीगा। मैं फिर से समझ गया, हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है। वो तो हमारे भोले सर है कि उनको नहीं पता कि इन्होंने तो पहले ही उसमें डिप्लोमा किया हुआ है। तो हमने सब बच्चों से पूछा कि अगर तुम मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो किस तरह अपनी प्रोटेक्शन मांगोगे? तो ये ऐसी बात कर गया कि जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। अरे संगीत सेरेमनी चल रही है क्या यहाँ पे? सॉरी सर, मैं गरीब आदमी हूँ, स्कूटर पर स्कूल आता हूँ। एक दिन मैं स्कूल आ रहा था,
रास्ते में बारिश आ रही थी, वहां पर मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ये अपने दोस्तों के साथ मुझे मिल गया। इसने कहा सर मैं धक्का लगा दूं। मैंने कहा चलो मोटरसाइकिल खराब हो गया, चलो लगा दो धक्का। इसने मुझे ही धक्का दे दिया। इसने मुझे धक्का दे दिया, मैं मुंह के बल कीचड़ पे जा गिरा। सर गलती से हो, सॉरी सर। बच्चा है सर, बच्चा है। पल पल से मरने से अच्छा है कि मुझे यही गोली मार दे, मार डाल, खत्म कर दे मुझे, तंग आ गया हूँ। सर आपको यही तो बताने आए थे कि इसने स्कूल छोड़ दिया है, तो साथ वाले स्कूल में जा रहा है। हाँ ना सर। अरे कौन से स्कूल में? सर इधर बगल में ही है, सेंट मैरीज। हाँ ना सर। अरे उस स्कूल में तो मैं जा रहा हूँ अगले महीने पढ़ाने के लिए। अरे इससे तंग आकर तो मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। ए, मैंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। बबलू जी प्लीज ऐसा मत करे। बेटा तू भी ऐसा ना कर।